एसआई भर्ती 2021 बड़े स्तर पर धांधली पेपर लीक हो चुका है, लेकिन नासा ने ऐसी कौन सी पहली है जो कि सुलझने के बाद भी अनसुलझी बनी हुई है। लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग युवा उठा रहे हैं, अभ्यर्थी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना जाने क्यों नहीं सुन रही है। ये संघर्ष की तस्वीरें जयपुर के शहीद स्मारक की है, जहां पर जो कि अभ्यर्थी है जो कि ऐसा ही भर्ती 2021 में दी थी, लेकिन जिनका नंबर नहीं आया चयनित नहीं हुए, और जिनका चयनित हुआ वो फर्जीवाड़े से थानेदार बन गए, ट्रेनिंग ले ली, लेकिन जब एसओजी ने शिकंजा कसा तो अब सलाखों के पीछे हैं। विकास संघर्ष कर रहे हैं, इस पूरी मूवमेंट को खड़ा करने में आपका अहम रोल है, लेकिन ये मूवमेंट कहां तक जाएगा? सरकार ने कमेटी बना दी और कमेटी अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। सर 2021 से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई पर गहलोत सरकार ने पर्दा डालने का काम किया, तो युवाओं ने उस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने जिन एजेंसियों से जांच कराई उन एजेंसियों ने स्वीकार लिया, पुलिस मुख्यालय एजी साहब ने स्वीकार लिया, और आरपीएससी के अंदर से पेपर लीक हो चुका, तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल बड़ा करके आपको स्वीकारना चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हालांकि मंत्रियों की कमेटी ने कह दिया कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस भर्ती परीक्षा पर आखिर फैसला कब लेंगे? हमारी एक ही मांग है, जिस तरह इन युवाओं ने गहलोत सरकार को कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने का काम किया, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं लेंगे तो आने वाले उपचुनाव में ये युवा घर घर जाकर विरोध करेगा और इस बीजेपी सरकार को भी आईना दिखाने का काम करेगा, क्योंकि सर हमारी जायज मांग है। हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, माननीय मंत्रियों के गुहार लगा रहे हैं, सत्ताधारी किरण लाल जी तो कहते कहते थक गए कि इस भर्ती परीक्षा पर कार्रवाई करो, लेकिन माननीय मंत्री जी की एक भी नहीं सुनी जा रही है। हम मांग करते हैं इन सत्ताधारी मंत्रियों की सुनो, इस कमेटी की रिपोर्ट को सुनो और इस एसओजी पीएचक्यू एजी को सुनो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब कुछ आपके सिस्टम का हिस्सा है, और इन युवाओं को न्याय प्रदान करो, हमारी भर्ती परीक्षा को रद्द करो। लेकिन दूसरी ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भर्ती को यथावत रखा जाए। ऐसी कौन सी छलनी लाओगे जिससे योग्यों को बताओगे सर ये बात है, इसको रद्द करना चाहिए, हमारा कहना यही है। लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पा रही है ना, दोनों के बीच उलझी हुई है। सरकार को फैसला लेना चाहिए, जब नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम गड़बड़ा चुका है और सब ने मान लिया है कि भर्ती में गड़बड़ हुई है, तो फिर अब सरकार को मुख्यमंत्री जी को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए सर। इसमें कुछ महिला अभ्यर्थी भी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं इस मूवमेंट को, जब एग्जाम हुआ बड़े स्तर पर धांधली हुई, फर्जी ट्रेनिंग थानेदार पकड़े गए, पेपर माफिया पकड़े गए, लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, पर हम तो यही चाहते हैं ना कि सरकार फैसला करे और हमारी आने वाली भर्तियों का भी कोई फैसला हो, ताकि फिर से भर्ती आए। हम पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई पता नहीं लग रहा, और घर वाले भी यही जवाब मांगते हैं कि क्या हो रहा है बेटा, 3 साल से क्या हो रहा है, घर वालों को हम क्या जवाब दें? हम चाह रहे हैं ऐसे भर्ती रद्द होनी चाहिए, ताकि हमारा भी आगे जाके फैसला हो। सरकार ने एक नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें भर्तियों को लेकर बताया गया है, क्या सरकार ये बताना चाह रही है कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी और आप इस तैयारियों में जुट जाइए? सर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि इस भर्ती के सारी पारियों के पेपर रद्द हुए हैं, उसमें भी सरकार किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, ना भर्ती को रद्द करी है, तो जरूरी थोड़ी है कि आने वाली भर्ती में पेपर रद्द नहीं होगा। और सर अभी जितने भी पेपर हुए हैं, लगभग हर भर्ती में पेपर तो लीक हुआ ही है, कि एक ना एक जगह से कहीं ना कहीं से तो खबरें मिली है ना कि यहाँ पर पेपर रद्द हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं कि आने वाली भर्तियों के पेपर रद्द नहीं होंगे? यही तो बात सरकार कहना चाह रही है कि इस भर्ती को रद्द कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन सर इसको रद्द नहीं करोगे तो जितने लोग लगे हैं अभी फर्जी तरीके से, वो लगता है कि आगे के प्रशासन को सही तरीके से चलाएंगे, क्योंकि जब वो खुद ही हम खुद गलत तरीके से अगर इस जगह पहुंचे हैं तो हम आगे भी गलत तरीके से ही पहुंचेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो समाज को सही दिशा दिखाए। लेकिन दूसरी ओर से वो पक्ष भी कह रहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे उनकी ओर से भी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं फर्जी थानेदार है उनको सलाखों के पीछे चलो, जो जायज है उनको नियुक्ति दो। टॉपर 10 में से 9 गिरफ्तार हो चुके हैं और 800 में से लगभग 50 थानेदार अभी भी जेल में, तो इस प्रकार जांच पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कौन सा मतलब लगा है प्यार और कौन सा सही नहीं लगा है उनको पूरी तरह से सही जांच नहीं कर सकते, इसलिए पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए और लगभग आधे से ज्यादा थानेदार फर्जी लगे हुए। आखिरी उपाय भर्ती रद्द ही है, आखिरी उपाय भर्ती रद्द ही है, क्योंकि पानी और दूध मिल चुका है, इसलिए अब इनको अलग नहीं किया जा सकता और इसका एकमात्र उपाय है भर्ती रद्द हो। लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो यदि भर्ती रद्द हो गई तो कई बड़े मगरमच्छ जैसे कहा जा रहा है वो बच निकलेंगे, फिर तो भर्ती रद्द ही होनी चाहिए और जांच कंप्लीट होनी चाहिए, जहां तक है ना सब जड़े है ना, जहां तक जांच होनी चाहिए जड़ों तक, ये कहना है बस सीधी उसी के जांच के लिए एसओजी जुटी हुई है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना,
एसआईटी को और तगड़ा भाई इस पे आ जाए। मेरे को क्या कहेंगे, ऐसा ही भर्ती पूरी तरह रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब 50 प्रशिक्षु थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर और 15 दिन पहले पेपर बाहर आ चुका है, और तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। 15 दिन पहले पेपर आ गया, 50 थानेदार गिरफ्तार हो चुके, और क्या बचा अब इस भर्ती में? सरकार को जल्दी से, कमेटी ने भी जो भी रिपोर्ट है वो गोलमोल कर रखे, तो उसको तुरंत लाके मुख्यमंत्री जी को यही निर्णय लेना चाहिए कि एसआई भर्ती रद्द हो, यही मांग एसआई भर्ती रद्द हो। लेकिन सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी सरकार को रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंप पाई है, क्या उपचुनाव की वजह है? ये सब उपचुनाव की वजह से सब कुछ टाला जा रहा है। पहले कहा था हाँ हम फैसला लेंगे, फिर कहा हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी फिर अपनी वो रिपोर्ट रखती है, फिर वो कमेटी को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर सीएम साहब फॉरेन चले जाते हैं, फिर वहाँ से आके नहीं अब गृह मंत्रालय उसका वो लेगा फैसला, फिर वहाँ से सीएम साहब आते हैं, यानी कि इस तरह को उपचुनाव जब जैसे जैसे आ रहे वो पूरा ये डिले कर, और कमेटी कमेटी खेला गया है, ये कुल मिला के यही है। युवाओं को बिल्कुल छोड़ दिया है कि किसी तरह का कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे ही आंदोलन करते रहो, भटकते रहो, यदि तुम्हारे पास 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया हो तुम्हारे माँ बाप के पास, तो इस यहाँ पे आके कर लेना जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये है चलो, सरकार तो दोनों पक्षों को सुनेगी ना? सरकार दोनों पक्ष को इसका सुन रही सर, किसी की नहीं सुन रही सरकार फिलहाल। तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि नौकरी, हम तो सब नौकरी लगे, नौकरी छोड़ छोड़ के ऐसा ही बने, ठीक है, तो अभी ईओआरओ में 7 से 17 जो पहले इसके नौकरी लग रहे थे वो भी तो फर्जी करके लगे। कि क्या आप ये कहना चाहते हो जो पहले लगे कि इसका सर्टिफिकेट है कि आपके पास, कि नहीं आप पहले से नौकरी हो तो आप सही हैं, इस तरह से चल रहा है ये सब। तो सरकार बीच में लटका रही है। हाँ सरकार सर बिल्कुल बीच में लटका रही है, किसी एक पक्ष को समझना नहीं दे रही है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि ईओआरओ के 25 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो इस स्तर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ सरकार को ये आज इस जगह शहीद स्मारक पर यही अवगत कराने आए हैं कि हमें जो हमारे पक्ष में है वो फैसला दे आज। तो नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया, उससे कितनी उम्मीद है? क्या परीक्षा जिस पहले होती आई है वैसी होगी या फिर कुछ बदलाव आएगा? ये तो सर बस चुनावों को लेकर थोड़ा सा माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह क्रिएट किया जा रहा है, बस इसी प्रकार से शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं, बाकी वो कोई बड़े स्तर पर कोई मतलब ऐसी क्लियरिटी वाली बात नहीं है बस। देखिए मुख्यमंत्री के नाम लेटर भी यहाँ पर युवा अपनी ओर से लिख रहे हैं, और प्रयास हर तरह के किए जा रहे हैं, अनूठे तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन तरीकों से सरकार आपकी बात सुन पाएगी, उन तक आवाज आपकी पहुंच पाएगी? हाँ कोशिश तो यही है, अब कर रहे हैं कि आवाज पहुंचाए सरकार तक, और इतनी जल्दी हो सके इसको रद्द करने की यही मांग है कि सरकार से ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी क्यों पता है का किस स्तर तक कहां तक भर्ती को उठाला हुआ है, और सरकार को इसमें कुछ कठोर निर्णय लेकर रद्द करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। कठोर निर्णय लेकर रद्द करनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। सर ये तो अब सरकार का फेल्योर है, सरकार की जो संस्थाएं हैं जैसे आरपीएससी है, जब जहां से 2 मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं और वहां से पुष्टि हो चुकी है कि पेपर 7 दिन पहले वहां से निकल चुका है, अपने जो परिजन है उनको दे दिया जा चुका है। इसके अलावा सर जो पुलिस हेडक्वार्टर है, इसके अलावा SOG है, मतलब कई तरह की 13 तरह की FIR दर्ज है अलग अलग जगह, 50 से ज्यादा थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण है, पर्याप्त सबूत है भर्ती को रद्द करने के लिए। तो सरकार को सर युवाओं के हित में यही फैसला लेना चाहिए और सत्य की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए ये युवाओं की पुकार है, उन अभ्यर्थियों की पुकार है जो कि संघर्ष कर रहे हैं और इस भर्ती को रद्द कराने के लिए सरकार से दो दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी सुन नहीं रही है। यही वजह है कि लगातार इनका मूवमेंट चल रहा है, इनकी एक ही मांग है सरकार भर्ती को रद्द करे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।